दो और मिल जाए बस, सही सब्जी बन जाएगी हमारी एक टाइम। बैठ बैठ गई। अभी हम पहुंच गए सरकारी हॉस्पिटल में और देखो लाइन, जांच मिलेगी 4 बजे जब पीएनजी के लिए और विवेक के लिए दोनों के लिए। हेलो राम राम जी, नमस्ते। और सब कैसे, आशा करते हैं सभी स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारी मम्मी जगी 4 बजे की, और 4 बजे से देखो ये पूरा लेस लास के और थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा लीप दिया है, तैयार कर दिया। कल मैंने दिखाया था कितने गड्ढे थे इसमें वहाँ तक पूरा। अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली की पहले से ही तैयारी में लग गए हैं हम, जो भी घर का बाहर का फूटा टूटा सबको सही कर रहे हैं। और फिर भी देखो हमारी मम्मी के हाथ पैरों में भी इतना दर्द रहता है उम्र के साथ, फिर भी हमारी मम्मी बहुत काम कर लेती हैं। मैंने मना बोला, मैंने कि इसको मत करो सीमेंट लगवा देंगे, लेकिन मम्मी ने फिर भी जुगाड़ कर कुरी मिट्टी से इसको भी तैयार करने में लग गई। तो अभी ये भी एकदम चमका दिया। देखो वहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बस आज ख़त्म हो जाएगा काम, फिर लीप पे कौन रह जाओ मम्मी जी है। अब दीपावली पे लीपेंगे, लेकिन इसको ऐसे करके तैयार कर दिया। यहाँ पर कितना बड़ा ढेर लगा था कल मिट्टी का, पूरा खत्म। कितना कौन लगी है तो रही तो फिर ये ऊपर। अभी तोरे सब्जी के लिए तोरे तोड़ के लाते हैं। मम्मी जी इधर देखकर गईं, बता रही थी तोरे लगी हैं, उसी को ढूंढने के लिए हम आए, खोज करेंगे कहाँ पे लटकी हुई है। बेरिया में अंदर कांटेन में। हम भी CID से कम नहीं है, हमने भी खोज निकाली। एक तोरे ये रही, एक इसके ऊपर है, दो तोरेयों को तो ढूंढ लिया। बाल वाला तो हमारी गली में रोजाना आ जाता है, सारी महिलाओं के बाल टूट टूट के झड़ गए 4000 रुपये किलो के चक्कर में। यह देखो कितनी बड़ी बड़ी ताजी ताजी तोरे, और देखते हैं एक दो और मिल जाए बस, सही सब्जी बन जाएगी हमारी एक टाइम की। 3 हो गई, चलो हो गया काम, 4 हो गई। अब कुछ आलू वगैरह डाल लेंगे, सब्जी बन जाएगी हमारी। इतना तो काफी है हमारे लिए, आधा किलो वजन हो गया, आधा किलो से ज्यादा। लो सोनी तोरी तुम्हारे शाम की सब्जी की इंतजाम कर दिया, नहा धो के फ्री हो गए। गाइस अभी हम चल रहे हैं थोड़ा मार्केट के लिए, इसके लिए एक बैग कवर लाना है और इसका गिलास लेके आना है। और सोनी की भी तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है, तो उसको भी दवा दिलवा के लानी है। अंजू की थोड़ी खांसी सी हो रही है अंजू को, और हिमांशु को, उसको भी दवा दिलवा के लानी है। तो इन सबको दवा दिलवाने के लिए जाना है आज, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है आज मार्केट में। देख कैसे खांसी उठ रही है इसको। चलो सोनी चलो अभी, और अंजू को भी खांसी हो गई है ज़्यादा सी, उसको भी दवा दिलवा के लाना। ये मरीज मरीज है, 1, 2, 3 तीनों को दवा दिलवा के लाना। बैठ बैठ गई। अभी चलते हैं दोस्तों, ये मौसम की वजह से तबीयत खराब हो रही है हमारे राज की भी, राज की तबीयत खराब है। उसको भी रात में बुखार आ रहा था, करीब 103 डिग्री के आसपास बुखार चला गया, ऊपर चला गया था 4 पे पहुँचने वाला। अभी इन सभी को सरकारी हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दवा भी अच्छी मिल जाएगी। अभी हम आ गए धौलपुर में, और ये हिमांशु का सर रोड को देखने नहीं दे रहा है, बार बार आगे कर लेता है, और बातें तो इतनी करता है, बस वो हवा की वजह से बाइक पर अच्छे से सुनाई नहीं देगी। नहीं आप इनकी बात सुनते हिमांशु की, कैसी कैसी बात मारता है ये। तो अभी आ गए हम सरकारी हॉस्पिटल पे, तो ये वाला जो हॉस्पिटल है ये है जच्चा बच्चा वाला, जो नया हॉस्पिटल बना है, और इससे आगे हम चलेंगे तो आपको मिलेगा जो पुराना वाला जच्चा बच्चा हॉस्पिटल था, यानी यहाँ से हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया, और ये आपको पुरानी इमारत सी दिख रही है, पहले ये वाला था जच्चा बच्चा हॉस्पिटल। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जो इमरजेंसी में भर्ती होते हैं उनको इधर ला के बेड लगा दिए उनके लिए, तो उनको इधर ला के लिटा देते हैं और फिर उनका इलाज चलता रहता है। और हम चल रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो उधर ही पर्चा कटेगा, और पर्चा लेके फिर उधर से दवा लेंगे। और इस समय डेंगू का बहुत ज़्यादा खतरा चल रहा है गाइस, तो इसीलिए काफ़ी हॉस्पिटलों में भीड़ मिलेगी, क्योंकि हम रोज़ाना सुन रहे हैं कि ज़्यादातर डेंगू के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, और हॉस्पिटल इस समय फुल हो रहे हैं,
बाइक कितनी सारी रखी है इसी से पता चल रहा है। अभी हम हॉस्पिटल में पहुंच गए, सबसे पहले यहाँ पे पर्ची कट गई हमारी आते ही 10 रुपये की, जब बाइक खड़ी कर पाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। तो फिलहाल हमने पर्ची कटवा ली है और पर्ची पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है लोगों ने, यहाँ पे नंबर लिख दिया है और पता नहीं मंथ लिख दिया है और महीना, बस साल तो लिखी नहीं। अभी हम पहुँच गए सरकारी हॉस्पिटल में और देखो लाइन यहाँ पे कम से कम 2 घंटे में तो पर्चा मिलेगा। और यहाँ पे बन रहे पर्चा, तो ये वाली जो खिड़की है ये 60 साल से जो ऊपर है उनके लिए है, और ये जो अंदर है यहाँ पे महिला की और पुरुषों की भी लाइन लग रही है। तो लाइन यहाँ पे देख सकते हो कितनी लंबी लग चुकी है और काउंटर पे अभी तक कोई नहीं बैठा है। 10 बजे का टाइम हो रहा है इस समय, 10 से ऊपर ही होगा, लोग बाग सुबह से आके परेशान हो रहे हैं। अभी हम बाहर आए थे हिमांशु को लेके घूम रहे हैं। मैंने कही पहले क्या होता था, अगर पैसे दे के बाहर जो पर्चे बन जाते थे लोकल दुकान से, अभी नहीं बन रहे हैं। अभी पूछ के आया कोई पर्चा नहीं बन रहा है, बाहर अंदर से ही लेना पड़ेगा। बैठी बैठी हैरान रह गई, तो अभी केले खा रहे हैं, भूख लग गई। अभी हम आ गए नए वाले जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जो बना है इसी में, उधर तो हमारा 1 घंटा पूरा बर्बाद हो गया। काउंटर पे अभी तक कोई नहीं बैठा है। मैंने कहा कि चलो सोनी उधर से लेते हैं, कम से कम उसकी अंजू की तो दवा मिल ही जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बड़ों की नहीं मिलती है, बच्चों की दवा तो इस काउंटर से मिल जाती है। अभी जांच करवाने के लिए भेज दिया है, वो एक्स्ट्रा हुआ है, एक्स्ट्रा मिलेगा 1 बजे अंजू का, जब दवा वगैरह मिलेगी। अपना पर्चा बनवा रही जब तक हिमांशु को भी दवा दिलवा के लाता हूँ। बैठ मोटरसाइकिल पे चलते हो, दवाई दिखा लाऊँ जब तक देर लगेगी ना, ताई है भाई तो है पर्चा बनना भाई ताई को। हिमांशु की दवा लेनी है हमको होम्योपैथिक वाले क्लिनिक से, तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे मेरे को मिला श्री गोपाल राज की दवा ले रहा था, तो हिमांशु को उसी के पास छोड़कर मैं आ गया हॉस्पिटल। जब मैं हिमांशु को छोड़ के आया इतने टाइम में सोनी ने पर्चा बनवा के दवा ले ली और यहाँ पे जांच लिख दी डॉक्टर साहब ने, तो इधर हम पहले सोनी की जांच करवाते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्लड लेने के लिए जांच के लिए सैंपल दे रहे हैं, कितनी भीड़ है। खून निकाल लिया जितना था सोनी के अंदर, थोड़ा सा खून था उसमें से भी इतना सा निकाल लिया है। जांच मिलेगी 4 बजे, जब कल दवा लेनी पड़ेगी। नाश्ता कर लेते हैं, भूख लग गई, इस समय 1:15 का टाइम हो रहा है और देखते हैं 1 बजे जांच मिलेगी। अंजू की जांच का टाइम था 1 बजे का, हम गए 1:30 बजे, फिर भी हमको गीला एक्सरा पकड़ा दिया, यानी आधे डॉक्टर तो हम यहीं पे बना दिए, बोले के बाहर जाओ एक्सरा को सुखाओ उसके बाद डॉक्टर को दिखाओ। अभी अंजू की दवा हमने ले ली तो एक मरीज से तो हो गए फ्री, लेकिन सोनी की जो जांच है वो मिलेगी हमको शाम को 5 बजे। तो फिलहाल अभी तो हम निकलते हैं घर के लिए, अगर टाइम मिला शाम को तो आएंगे, नहीं तो सुबह आएंगे। आए सब कहते हैं अब अंजू के लिए जूता और ले लेते हैं स्कूल के लिए, नहीं तो इसकी पिटाई होगी फिर स्कूल, अगर जूता पहन के नहीं तो कल पहन के देखें जी। विवेक के कहा ले चला ऐसे ही, फिर विवेक जो करो मैं कहाँ तो पैसे ले लियो आवे जाए विवेक आज की तरह है क्या जाने कर रहे ठाड़ी होए ना डीले सही है के लड़के ने कहा तो जूती होती है, हमने पहले जूता पहना दिए अभी जूती निकलवाई है अंजू के लिए। तो दोबारा सोनी पड़वे चली जा कर रही है देख लो अपने कहा अंजू के लिए और विवेक के लिए दोनों के लिए जूते भी हो गए, बस अब परेशान तो हो गए लेकिन आज बहुत ज़्यादा। आ गए जी घर, अब घर आके ही थोड़ा आराम मिलेगा। देखो तेल मुंह के ऊपर कितना तेल तेल सा निकल के आ गया बाहर, गर्मी के मार है इतनी गर्मी पड़ रही है। ऐसे अभी 6 बज गए, बस अभी नींद आ गई थी, दिन में थोड़ा बहुत काम किया लेकिन आज कुकिंग की वीडियो तो नहीं बन पाई, इतने परेशान हो गए। 2 बजे घर पे आए, फिर थोड़ी बहुत जो एडिटिंग थी वो करी, सोनी जब की सो गई उसकी तबीयत तो थोड़ी ख़राब हो गई थी, अभी उसके शरीर में आलस है तो आज कुकिंग की वीडियो नहीं बन पाई, बस अभी खाना बन रहा है, बस खाना खाते हैं। आज मम्मी ने तो खाना खाने का नंबर लगा दिया और जो सुबह तोड़ी तोड़ी थी बस वही हैं, अभी खाना खाते हैं। आज जल्दी खा रहे हैं नहीं तो लेट खाते थे हम लोग। और ये रहा हमारे शाम का खाना आज का, अभी खाना पीना खा के सब हो गए फ्री और अभी हम लग गए अपने काम में। अभी एडिटिंग हो गई कंप्लीट है, बस थोड़ा सा काम और रह गया है 10-15 मिनट का, तो ये वीडियो तो हो गई एडिटिंग। लेकिन आज हमारा धूप में भागते भागते सर हो गया है भारी, तो मेरे करना कुछ नहीं है, बस नींद लेनी है, सो जाऊँगा तो सुबह तक सही हो जाएगा, लेकिन आज जल्दी सोना पड़ेगा।
मैं कहीं जल्दी से ये एडिटिंग का काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद में थोड़ा आराम करेंगे। फाइनली आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। घर में सबकी बुरी हालत है, उधर राज को भी बुखार है और हिमांशु को भी तबीयत ख़राब, सोनी की भी तबीयत ख़राब सी हो गई है और अंजू की भी हो गई है। तो एक वायरल सा फैल गया है, बस आप सभी की दुआ चाहिए, भगवान से प्रार्थना करें सब जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद हम अपना काम करते रहें। आज कुकिंग की वीडियो भी नहीं बन पाई है, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।